मरने से पहले जीना है, कैद में है जिंदगी, मरने से पहले जीना है। इस धरती से तुमको निकालेंगे हम, यह वादा हमारा यही है कसम, चाहे कर ले जुल्म चाहे कर ले सितम, ये जन्नत का टुकड़ा बचा लेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान, मैं हूं मोहम्मद जफीर। आज का इनसाइड पाकिस्तान मज़लूम कश्मीरियों के नाम, 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर, और कश्मीर चूँकि पाकिस्तान की शारक है और आज के दिन की अहमियत और अफादियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि चूँकि कश्मीर पिछले 74 सालों से कश्मीरी जो है वो आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ा है, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तानी रियासत अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। और आज के दिन की निस्बत से चूँकि कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती कर रही है मुल्क भर में और पूरी दुनिया भर में, जहाँ जहाँ पे भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो आज कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती कर रही है। इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई जा रही हैं और साथ ही साथ सेमिनार्स और आज़ादी वॉक्स का इनेकाद भी किया जा रहा है। और इस तमाम तर ख़ास तौर पे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उनके ज़रिए पूरी दुनिया को ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि भारत किस तरह मज़लूम कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहा है और बर्बरियत कर रहा है कश्मीरियों के ऊपर। नाज़रीन, आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया गया और 370/35A का ख़ात्मा हुआ। भारत कश्मीर को अपना यूनिट, अपना जाहिर करने की कोशिश और वहाँ पे मुसलमानों की आबादी को कम जाहिर करने के लिए हिंदू और हिंदुत्ववाद जो सोच है मोदी सरकार की, आरएसएस सरकार की, वो इस पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। और जाहिर है 2023 में जब इलेक्शंस होंगे वहाँ पे और वहाँ अगर रेफरेंडम करवाया जाए तो ताकि वो अपनी अक्सरियत साबित कर सकें, इस तरह के हथकंडे आजमा रहा है। और कश्मीर की जो क़यादत है, हुर्रियत रहनुमा हैं, वो आज भी पाबंद सलासल हैं और उनको खुलकर ज़िंदगी जीने का हक उनसे छीना गया। कश्मीरी जो है वो उन पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, इसकी मजम्मत करता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के अवाम, और इस पर आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान की और पाकिस्तान के का बच्चा बच्चा अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा है। इस पर आज बात करेंगे। आज का प्रोग्राम चूँकि डेडिकेटेड है कश्मीर के लिए और इस पर हमें हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। सीनियर सहाफ़ी सैयद खालिद गर्देजी साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे कश्मीर के वाले से, चूँकि और कश्मीर की सियासत पे, कश्मीरी आज़ादी तहरीक के वाले से आप हमेशा इवेंट्स कवर करते हैं, लिखते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद खालिद गर्देजी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, खुश आमदीद कहते हैं आपको। सिमाबिया ताहिर साहिबा सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MP हैं और कश्मीर की बात हो, कश्मीरियत की बात हो, उस हवाले से हमेशा पंजाब असम्बली के अंदर भी और असम्बली से हटकर सेमिनार्स, वर्कशॉप्स के ज़रिए और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मीडिया के ज़रिए हमेशा कश्मीरियों की आवाज़ बनती हैं। सिमाबिया ताहिर साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। चौधरी सलमान अहमद सीनियर तजियाकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं और वकील हैं और कश्मीर के वाले से ख़ासतौर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। संगी खान साहब सीनियर तजियाकार हैं और ख़ासतौर पे जब हम इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं उस पर बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप है इनकी और कश्मीर के वाले से भी बहुत आप हमेशा कश्मीरियों की आवाज़ बनते हैं। संगीन खान साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ सिमाबिया ताहिर साहिबा से करेंगे, जो कि चाहे बलूचिस्तान की बात हो या कश्मीर की बात हो, जहाँ पे भी जुल्म हो रहा होता है आवाज़ उठाती हैं और यही उनकी खूबसूरती भी है और वो कोशिश करती हैं कि अपने असेंबली के ज़रिए और इस फोरम के ज़रिए कश्मीरियों की, बलूचिस्तान की और जहाँ पे भी जुल्म और सितम हो रहा है उनकी आवाज़ बना जाए। सिमाबिया ताहिर साहिबा, किस तरह देखती हैं कश्मीर की एक लंबी जद्दोजहद है कश्मीरियों की, जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं और आपको याद होगा 5 अगस्त के जो स्पेशल स्टेटस कश्मीरियों का, कश्मीर का ख़त्म किया गया, उसके बाद मोदी सरकार, आरएसएस सरकार, हिंदुत्ववाद सोच जो है
वो उसको आगे लेके चल रही है। 5 फरवरी चूंकि कश्मीरियों के नाम किया जाता है, कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया जाता है, किस तरह देखती है इस दिन को? थैंक यू सो मच रशीद, आपने जो अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए पहली बात तो ये है कि 5 फरवरी को हम जो है इजहार यकजहती नहीं कर सकते। हम इजहार यकजहती इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कश्मीर तो हमारा है, हमसे इजहार यकजहती होनी चाहिए बाकियों की, हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि कश्मीर हमारा है और सिर्फ हमारा है, पाकिस्तान का है वो। एक तो हमें इस चीज को जो है वो मानना चाहिए, मान के चलना चाहिए और इसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और पूरी दुनिया को हमें एक्सेप्ट करवाना चाहिए कि कश्मीर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का है और पाकिस्तान का हिस्सा है वो। कश्मीर हमसे कभी अलग हुआ ही नहीं है। आज भी कश्मीर में कोई भी शख्स या कोई भी बच्चा या कोई भी खातून जो शहीद होते हैं तो वो अपने बदन के साथ जिस झंडे को लपेटते हैं ना वो पाकिस्तानी झंडा है। वो पाकिस्तान के झंडे को आज भी जो है अपना झंडा मानते, अपना झंडा मान के चलते हैं। तो इसलिए ये कहना कि हम उनके साथ इजहार यकजहती करते, नहीं, हम उनके साथ इजहार यकजहती नहीं करते क्योंकि वो हमारा अपना हिस्सा है। ठीक है, तो दुनिया को हमारे साथ ये सारी यकजहती करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं सीमाविया साहिबा, बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है। लेकिन जो वहाँ पे जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ पे इंटरनेट की सहूलतें नहीं है कश्मीरियों के पास और उनको जिंदगी जीने का हक उनसे छीना गया है जो कि बुनियादी हक है। अब ये जुल्म है, आलमी ताकतें खामोश हैं इसके ऊपर। पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है इसको जागिर करने की, पाकिस्तानी मीडिया हो, सिविल सोसाइटी हो, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हों, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको याद होगा कि यूएन में जो स्पीच की थी उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम बना था कश्मीर के वाले से। अब क्या समझती हैं कि आलमी दुनिया क्यों खामोश है, मफादात की जंग है, क्या इशूज़ हैं? देखिए आलमी दुनिया डेफिनेटली मफादात की ही जंग होगी जिसकी वजह से खामोश है। और दूसरी बात ये कि इंडिया का जो ये भयानक चेहरा है ना, ये असल में कभी दिखाया ही नहीं गया दुनिया को। ठीक है, तो द क्रेडिट गोज टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, क्रेडिट गोज टू द मीडिया ऑफ पाकिस्तान, क्रेडिट गोज टू द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हमारे तमाम पब्लिक के जिसने जो है ये घिनौना चेहरा जो है मोदी का और इंडिया का पूरी दुनिया को हम दिखा रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए, और इसके अलावा हम जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम अपने तमाम पार्लियामेंट्स में जो हमारे चारों सूबों की पार्लियामेंट्स हैं उनमें जो है हम कश्मीर के लिए जो आवाज उठाते हैं तो वो पूरी दुनिया तक वो चीज पहुँचती है। दूसरी बात ये कि देखें, हम तो उनसे कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे ना, हम उनसे, हम यूएन से ये डिमांड करते हैं कि जो रेजोल्यूशन वहां पर पेश की जा चुकी हैं, ठीक है, उन पर अमल दरामद करवा दें, दैट्स इट। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये प्रेशर बिल्ड होगा, सारा लॉबिंग होगी और प्रेशर बिल्ड करने की जरूरत है ताकि यूएन में जो हमारी कश्मीर के हवाले से करारदाद हैं उन पे अमल दरामद हो सके और कश्मीरियों को उनका अपना वतन, उनको आज़ादी मिल सके। चौधरी सलमान साहब, किस तरह देखते हैं आज के दिन की निस्बत से और ख़ास तौर पे जो स्ट्रगल है कश्मीरियों की और दुनिया भर में मकीम जो कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं, वो भारत के इस जुल्म व सितम को एक्सपोज कर रहे हैं, उसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, किस तरह देखते हैं इस दिन को? सबसे पहले तो जजीद बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया आज के प्रोग्राम के लिए। आज बहुत खास दिन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, और ये मेरा भी एक फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा से, क्योंकि मैं मुख्तलिफ कॉलम भी लिखता रहा हूँ इसी टॉपिक पर जी। तो थैंक यू सो मच। जहाँ तक बात है आज के दिन की, तो डेफिनेटली आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज के दिन हमने दुनिया को बताना है और हम बताते आ रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का है और पाकिस्तान की शहरक है, और दुनिया को ये भी हमने बताना है कि किस तरह भारत कश्मीर के अंदर जुल्म-ओ-सितम कर रहा है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जब 1990 से जब ये स्टार्ट हुआ था तब पाकिस्तान का ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा था कि हम दुनिया को बताएं कि भारत की क्या चाल मकार चालें हैं जो कश्मीर में हो रही हैं जी। तो ये हम बड़े अच्छे तरीके से इसको मेरा ख्याल हम करते आ रहे हैं और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट निकलेगा, बहुत जल्द निकलेगा। और दूसरी जो आपने बात की है कश्मीरियों की जद्दोजहद की, तो इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने जद्दोजहद की जो हमें दास्तानें और मिसालें दी हैं उसकी एक अपनी ही बात है। मैं इसको एक
चंद लफ्जों में जी जी समेटना चाहूंगा कि कश्मीरियों की जद्दोजहद को कि उन्होंने हमेशा भारतीय जुल्म सितम के आगे यही कहा है कि इधर आ सितमगर हुनर आजमा तुतीय आजमा मैं जिगर आजमा। तो उन्होंने दुनिया को भी बताया और जुल्म का बहादुरी से सामना भी किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलमान, इसमें कोई शक नहीं कि वो डट के खड़े हैं। और सईद अली गिलानी साहब की जो शहादत थी और उनका जो जज्द हाकी था, उसको जिस तरह उससे डरे हुए थे इंडियंस, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तवाना आवाज़ थी। और कश्मीरियों का बच्चा बच्चा जो है वो भारतीय फौज के सामने डट के खड़ा होता है और मुकाबला करते हैं वो इससे। क्या समझते हैं यंग जनरेशन जो आज की है, उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे, और हम कश्मीरियों की आवाज़ किस तरह बन सकते हैं, चाहे हम इस्लामाबाद में हों, चाहे हम कोयटा में हों, लाहौर में हों, पेशावर में हों या कराची में? हम कश्मीरियों की आवाज़ इस तरह बन सकते हैं कि एक तो हमने जो 5 अगस्त 2019 के बाद इसमें एक नई मूव आई है। जी अगर पहले जिस तरह एक थोड़ा सा गैप आ चुका था कश्मीर मूवमेंट में, तो उसके बाद जरा ये मामला एक्सपोज हुआ है। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उस सबको पता लग गया कि कश्मीर इशू भी पाकिस्तान का एक इशू है। तो मेरा ख्याल ये एक तो अवेयरनेस मिली है सारे पाकिस्तान को, अब हमें एक नए लाहे अमल के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने फॉरेन अफेयर्स के तहत पूरी दुनिया को ये बताया भी है, पूरे मुल्क के सफारत खानों को भी बताया कि हमारे लिए मसला कश्मीर की अहमियत का हामिल है। और सेकेंडली अब हमें एक नए बयानिए के साथ, जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस्लामी ममालिक का जो हमारा इत्तेहाद है उसको मुनज्जम करने की जरूरत ठीक, है, बिल्कुल क्योंकि ठीक कह वो रहे हैं उसे जी जी मुनज्जम करने के बाद हम OIC के थ्रू एक अच्छा सा पैगाम दे सके। और सेकेंडली जो UN रेजोल्यूशन इतनी सारी पास हुई है 1948 से लेके अब तक, तो उसके ऊपर भी हम इंटरनेशनल लेवल पे इसको इस पर अमल दरामद के लिए कोशिशें की जाए। बिल्कुल, कोशिशें की जाए और कोशिशें होनी भी चाहिए। सीमाविया साहिबा किस तरह देखती हैं, खासतौर पे पाकिस्तान जहाँ पे थोड़ा सा लैग कर जाता है, वो है जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि PM की जो स्पीच थी उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम बना हुआ था, उस मोमेंटम को पाकिस्तान जो है वो कायम नहीं रख सका। उसकी वजह ये बनी कि हम इंटरनेशनली लॉबिंग नहीं कर पाते उस तरह की जिस तरह होनी चाहिए, या जिस जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने माहौल बनाया था वो माहौल हम और उसका हम फ़ायदा नहीं उठा सके। अब नहीं समझती कि हमें लॉबिंग पे हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, हमारी जो डिप्लोमेट्स हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है दुनिया भर में, उनको इंगेज करना होगा, कश्मीरियों का जो पैगाम है या कश्मीर के जो मोटिव्स हैं हमारे, उनको सही तरह से सेमिनार्स के जरिए, वर्कशॉप्स के लिए, इंटरनेशनल फोरम्स पे, ताकि पूरी दुनिया को पता चले, एक्सपोज हो भारत। बिल्कुल जफीर, आई अग्री विद यू, और इससे बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट काम भी कर रही है। देखें, हमें इसमें जो सबसे ज्यादा हमें ना जरूरत है कि तो हम इन्वॉल्व हो इसमें, कि ताकि जो है इस चीज को जो है हम इंटरनेशनल लेवल पे जो है वहां पे हम इसे जो है वो उजागर कर सके, और हम उनको बता सके कि कश्मीर का एक्चुअल इश्यू क्या है, ठीक है, और कश्मीर चाहता क्या है, पाकिस्तान चाहता क्या है बेसिकली। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें जो है एक तो आपस की कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना होगा, जी ठीक है। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे आपको लोगों को जो है अपने साथ कनेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है, लोगों के साथ लाइजोन रखने की जरूरत है। जितनी आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी, जितना आपका लाइजोन अच्छा होगा उन लोगों के साथ, उतना जो है आप कश्मीर का जो इशू है उसको जो है आप बेहतर तौर पर जो है वो आप वहां पर पेश कर सकेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि आप ये देखें कि लोग अक्सर कहते हैं कि जो है जो मोदी है, ठीक है, वो जो है वो एक फैशिस्ट है ना, ठीक है, एक ऐसा भयानक चेहरा कि जिसने जो है आपके साथ ही उसने जितना जुल्म किया कश्मीरी लोगों पर, और जितना जुल्म उसने जो है किया, और उसने तमाम वो उनकी आप देखें कि उनके वहां पर जो है ना वहां पर वाईफाई है, ना वहां पर जो है उनके इवन खाने पीने की चीजें जो है वो खत्म हो रही हैं, ठीक ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उन्हें अपनी जमीनें बेचनी पड़ रही हैं, या उनकी जमीनों पर वो कब्जा करना चाह रहा है सिर्फ इसलिए कि ताकि वो लोग इतने तंग आ जाएं
कि वो जो है वो उनके आगे सरेंडर करने पर मजबूर हो जाए, जो कि कभी भी हम नहीं होने देंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक है आपने। सलमान, किस तरह देखते हैं बुरहान वानी शहीद के बाद? हमने देखा कि जैसे 90s में एक मोमेंटम बना था, बड़ी जबरदस्त तहरीक चली थी, उसके बाद बुरहान वानी ने एक, चूंकि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया को उसने यूटिलाइज किया और कश्मीरी नौजवानों में खासतौर पे जज्बा पैदा किया और एक नई तहरीक, कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है उसमें एक नई रूप हो कि बुरहान वानी के बाद का जो इरा है उसको आप किस तरह देखते हैं, और खास ज़्यादा आप खुद भी यंग हैं, यंग जनरेशन को क्या पैगाम देंगे? 1990s में अगर हम देखें तो आपको याद होगा कि रशियन अफगानिस्तान से जा रहे थे जी, तो उस वक्त पूरी दुनिया में एक आज़ादी की लहर दौड़ाई थी कि आज़ादी मिलेगी, जो भी कौम आजादी जद्दोजहद करेगी उसे आजादी मिलेगी। तो 1990 की दहाई में ये हमारी कश्मीर मूवमेंट या कश्मीर कॉज जो था वो बड़ा अरूज पे चला गया था, और हम 2014-15-16 ये इस इरा के बात करें तो बुरहान वानी के आने से एक नई रूप आई थी इस मूवमेंट में, तो इसी चीज को काउंटर किया इंडियन फोर्सेज ने, और बुरहान वानी की जो शहादत थी वो एक जो कि समझा जा रहा था कि एक लीड करेंगे लेकिन ऐसा ना हो सका अनफॉर्चुनेटली, तो उनको शहीद कर दिया गया। यूथ में एक एक पैगाम ये गया है उसकी शहादत के बाद कि आजादी के बगैर मसला कश्मीर का हल मुमकिन नहीं है, आजादी की कश्मीर को जरूरत है, जरूरत रहेगी। और आपको मैं ये भी साथ बताता चलूं कि 1819 से लेके आज तक, आज 2022 5 फरवरी 2022 है, आज तक कश्मीरी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, कभी किसी की गुलामी में कभी किसी की गुलामी में। तो कश्मीरी जो जो भी मेरे बहन भाई हैं जो मुझे सुन रहे हैं उनको मेरा यही पैगाम है कि आजादी की जद्दोजहद के बगैर ये काम मुमकिन नहीं, और पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी आपके साथ खड़े हैं, कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, 5 फरवरी आज के दिन खड़े हैं बल्कि इसके अलावा हम हर वक्त आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, हर महाज से बिल्कुल कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। सिमाबिया साहिबा, आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगी कश्मीरियों को? फिर मैं आपको एक मैसेज यही देना चाहूंगी कि देखें इस वक्त जो वक्त की जरूरत है ना वो ये है कि हमने अगर दुनिया तक अपना पैगाम पहुंचाना है तो फॉर दैट हमें अपना जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसको इंगेज करना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव टू डू दैट। उसके अलावा जो है हमारे पास जो है कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जैसे आपने पहले खुद बात की है कि वहां पे हर तरह का जो है ना वो खत्म कर दिया गया है कनेक्शन। ठीक है, आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते वहां पे जो है ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो इसलिए हमें इंटरनेशनल मीडिया को उसमें इंगेज करने की जरूरत है। सेकेंडली, हमें जो है जो हमारे पास अपने डिजिटल जितने भी जो है प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जैसे कि ट्विटर है, जैसे कि हमारा जो है फेसबुक है, इनके थ्रू जो है हमें एज अ नेशन हमें जो है वो मैसेजेस और जो है उनके लिए ट्रेंड्स और वो करना पड़ेगा कि ताकि जो है हम दुनिया तक ये मैसेज पहुंचा सकें। ठीक, बहुत शुक्रिया सीमा भैया साहिबा, बिल्कुल दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाना होगा। चौधरी सलमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कश्मीरियों की आवाज़ हम बन सकते हैं, और हर शख्स ने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूट करना है, थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी आपका कश्मीरियों की आवाज़ बन सकता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए, वर्कशॉप्स के लिए के ज़रिए, सेमिनार्स के ज़रिए, और आप लिखें उनके बारे में और कश्मीरियों की आवाज़ बने। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक। कैद में है जिंदगी, मरने से पहले जीना है। कैद में है जिंदगी, मरने से पहले।